Hello everyone. So I am Avisha Kala and I am going to present on a topic which is fingerprinting of a disease. So here we start. Fingerprinting before death. ठीक है, फिंगरप्रिंटिंग आइडेंटिफिकेशन एक मेथड है जो कि डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के बेसिस पे ह्यूमन के फिंगर्स का आइडेंटिफिकेशन होता है. ठीक है, हर एक जो फिंगर पैटर्न है, फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न है, वो हर एक पर्सन के अमंग जो रहता है वो यूनिक होता है. ठीक है, और ये बहुत एक पॉपुलर वे है, ये एक बहुत इजी और कन्वीनियंट वे है किसी भी पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए. ठीक है, इसका एक एडवांटेज होता है कि फिंगरप्रिंट पैटर्न जो है वो पर्सन के थ्रू आउट द लाइफ सेम रहता है. ठीक है, इसलिए ये एक बेस्ट मेथड कहलाती है किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी फाइंड करने के लिए, क्योंकि ये इंडिविजुअल पैटर्न के बेसिस पर होता है. ठीक है, जो फिंगरप्रिंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो फैटल लाइफ के 3rd और 4th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी में ये फुल्ली डेवलप हो जाते हैं, और जो फुल्ली डेवलप वो 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में हो जाता है. और कब तक रहते हैं? जब तक अपनी बॉडी डिकम्पोज नहीं जाती है तब तक रहते हैं. इसलिए बहुत बहुत अच्छा वे है किसी भी पर्सन के आइडेंटिफिकेशन का. ठीक है, अब इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फिंगरप्रिंटिंग के बेसिकली कंपोनेंट्स ये होते हैं कि मतलब फिंगरप्रिंटिंग में एक डार्क लाइन्स होती है और एक जिसको अपन कहते हैं रिज, और यही आगे जाके बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लेती है जिसको अपन माइनूशियाज और रिज कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं. ठीक है, एक वाइट लाइन्स भी होती हैं जो कि डार्क लाइन्स के बीच में पाई जाती है, उनको वैलीज बोलते हैं. ठीक है, कभी जिस लाइक जिस मैंने अभी बताया ना डार्क लाइन्स, ये आगे जाके लाइक कभी सिंगल पॉइंट में रहती है, कभी जल्दी ख़त्म हो जाती है. तो इसी के बेसिस पे एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म करती है, और इसी के फ्लो पे इनके लाइक पैटर्न्स बनते हैं, इनके माइनूशियाज बनते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं. तो इसलिए ये फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन का बेस्ट वे है. नाउ गाल्टन्स 3 लेवल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन. ठीक है, गाल्टन्स के थ्री लाइक गाल्टन ने 3 लेवल्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन सेट किए थे किसी भी पर्सन की इंडिविजुअलिटी फाइंड करने के लिए. तो फर्स्ट फर्स्ट जो था लेवल वो था पैटर्न बेस्ड. ठीक है, तो एक ह्यूमन के फिंगर पे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न होते हैं, लाइक वर्ल्स हो गए, लूप्स हो गए, आर्चेज हो गए, एक्सीडेंटल हो गए. ठीक है, और फिर सेकेंड लेवल था माइन्यूशियाज बेस्ड. ठीक है, एक पर्सन में 80 to 100 माइन्यूशियाज एक अच्छे फिंगरप्रिंट पे पाए जाते हैं. ठीक है, माइनिशियाज कैन बी बायफर्केशन, ट्राइफर्केशन, रिज एंड आइलैंड एक्सेट्रा. ठीक है, पोर्स पोर्स और एंजियोस्कोपी, पोरोस्कोपी और एंजियोस्कोपी. ठीक है, उसमें जो स्वेट पोर्स है उसकी पोजीशन, उसके साइज, उसके शेप, उसके नंबर, उनके बीच में कितनी गैप है, वो तो ये कितनी लोकेटेड है किसी के पर्सन पर, उसके बेसिस पर आइडेंटिफिकेशन को पोरोस्कोपी और एंजियोस्कोपी बोलते हैं. नाउ फिंगरप्रिंटिंग आफ्टर डेथ. ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि लिविंग और डेड स्किन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, तो लिविंग और डेड स्किन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है. ठीक है, जो लिविंग स्किन है उसमें क्या रहता है कि जो अपनी जो कैपिलरीज है, ठीक है, वो इतनी एडवांस नहीं होती है कि उसको अपन किसी भी सरफेस पे रखे तो वो अंडर प्रेशर काम कर सके. तो उसके कारण क्या होता है, वो पेल हो जाती है. जबकि जो डेड स्किन है, ठीक है, पेल हो जाती है, वो येल्लो हो जाती है. लेकिन जो डेड स्किन है उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, वो क्योंकि उसमें कैपिलरी रन ही नहीं होता, तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो वो उसका जो कलर चेंज है वो कॉन्स्टेंट रहता है. ठीक है, नाउ इसकी नेसेसिटी क्या है, फिंगरप्रिंट आफ्टर डेथ की नेसेसिटी क्या है. ठीक है, अभी बहुत सारे डिजास्टर्स होते हैं या बहुत सारे जो भी क्राइम्स होते हैं, लाइक होमिसाइड्स हो गया या ड्रॉइंग हो गया. ठीक है, तो इसमें बहुत सारे विक्टिम्स की डेड बॉडीज मिलती है. तो क्या उस जो विक्टिम की डेड बॉडी है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बहुत बेस्ट वे है फिंगरप्रिंट के थ्रू आइडेंटिफिकेशन का? पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होती है फिंगरप्रिंटिंग ऑफ अ डिजीज की. ठीक है, तो ये बहुत इजी वे है किसी भी पर्सन के इंडिविजुअलिटी फाइंड करने का कि ये वही पर्सन है कि नहीं. तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है. ठीक है, प्रिलिमिनरी रिक्विजिट्स. तो इसमें क्या होता है कि अपन ने डेड बॉडी तो ली, लेकिन वो उस कंडीशन में भी है कि नहीं कि वो फिंगरप्रिंट दे पाए. तो इसलिए उसमें बहुत सारे मतलब अपन देखते हैं, पहले अपन विजुअल एग्जामिनेशन करते हैं कि उसका जो हाथ है वो उस पर कोई भी डर्ट वगैरह तो नहीं है, अदर कंटामिनेंट्स तो नहीं है. अगर उस पर है तो उसको केयर के साथ क्लीन करना चाहिए, और क्लीन ऐसे करना चाहिए कि उसके कोई रिड्स कैरेक्टरिस्टिक कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो पाए. ठीक है, तो उसको
प्रॉपरली क्लीन करना चाहिए। जो हैंड है, जो उसमें फिंगरप्रिंट ले रहे हैं, उसमें अल्कोहल को डिप करना चाहिए, ताकि उसका जो मतलब उस पर डिपेंड करता है अल्कोहल पर डिप करना, किस किस एडहरिंग मटेरियल को अपन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ताकि और इससे क्या होता है, वो बहुत अच्छे से ड्राई तो हो जाता है और मॉइस्चर भी आ जाता है रिच पे, ठीक है। तब अपन प्रॉपरली प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। ये ना कि सिर्फ ड्राई क्विकली ड्राई कराता है, और ये जो फिंगर है उसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है फिंगरप्रिंट लेने के लिए, ठीक है। अगर इन सब से भी नहीं हो रहा तो अपन हेयर ड्रायर को भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो मॉइस्चर प्रॉपर हो पाए, ठीक है। नाउ अभी पोस्टमार्टम के टाइम पे फिंगरप्रिंटिंग कैसे रिकॉर्ड करें, तो इसको तीन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कब वो डेड बॉडी का टाइम क्या है, उसके बेसिस पे थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक जब बॉडी फ्रेशली डाइड होती है, एक जब राइगर मॉर्टिस सेट होता है, और एक जब एडवांस स्टेज पे होती है डिकम्पोजिशन के। तो पहले अपन पढ़ेंगे जब बॉडी फ्रेशली डाइड होती है, ठीक है। जब बॉडी फ्रेशली डाइड होती है मतलब 3 4 to 7 आवर्स ऑफ डेथ के, तो जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स है वो फ्लेक्सिबल होते हैं तब तक, ठीक है। तो वो सिर्फ उनके ऑर्गन बेस पर डेथ होती है, मॉलिकुलर बेस पर डेथ नहीं होती है। इसलिए उसमें क्या रहता है कि वो तब फ्लेक्सिबल रहता है। तो इसमें अपन तीन मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक फिंगरप्रिंटिंग पैड मेथड होती है, एक प्रॉपर अच्छा पैड जिससे इजी इंप्रेशन ले पाए, उसको फिंगर जो डेड बॉडी है उसको उसके फिंगर्स को उस पर लगा के एक प्रॉपरली रोल्ड करके लिया जाता है उसका फिन। एक इंक मेथड होती है, एक प्रॉपर इंक रोलर होता है और एक इंक होती है, उसको है ना डेड बॉडी के हैंड पे रोल किया जाता है पूरे प्रॉपरली, और फिर उससे लेनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो इंक है वो यूनिफॉर्मली रोल्ड करी है कि नहीं करी है। नाउ फिंगरप्रिंटिंग पाउडर मेथड होती है, एक 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 पाउडर एक ब्रश आता है, कैमल हेयर ब्रश आता है और चारकोल पाउडर आता है, उससे प्रॉपरली अपन पहले उस पर लगाते हैं और फिर प्रिंट लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि दिख जाती है, मतलब ये बहुत अच्छी मेथड्स होती है फिंगरप्रिंटिंग लेने के लिए जब फ्रेशली डाइड होती है। जब राइगर मॉर्टिस सेट होता है, तो राइगर मॉर्टिस क्या होता है, जब बॉडी क्या डेथ हो जाती है पर्सन की मॉलिकुलर बेस पे, क्योंकि जब रिसेंटली डेथ होता है तो मॉलिक्यूल्स नहीं मरते हैं, ठीक है। जब मॉलिकुलर बेस पे डेड हो जाती है, तो बॉडी स्टिफंड हो जाती है, बॉडी ऐसे मतलब हिल नहीं पाते, हिला नहीं पाते। तो उसमें क्या बहुत मुश्किल होता है कि किसी भी बॉडी का फिंगरप्रिंट लेना। तो उसमें है ना अपन को क्या करना चाहिए कि बॉडी के अंदर अपन को फ्लूइड भरना चाहिए, फ्लूइड इंजेक्ट करना चाहिए सेंस की वजह से मदद से। तो उससे क्या होता है कि वो जब किया करते हैं तो उसमें बॉडी फिर वापस से अपना फ्लूड उसमें आ जाता है, तो अपन उसे प्रॉपरली ले सकते हैं इन्हीं मेथड्स की वजह इन्हीं मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। ताकि वो अपनी क्योंकि क्योंकि क्या स्टिफंड हो जाती है, तो उसमें रिंकल्स आ जाता है, तो रिंकल्स में अप एंड डाउन्स रहते हैं, तो फिर वो प्रॉपरली ले नहीं पाते। तो अगर अपन उसमें प्रॉपर उसके अकॉर्डिंग अगर फ्लूड इंजेक्ट करें, तो उसमें क्या वो वापस से अपनी जो ओरिजिनल पोजिशन है, ओरिजिनल साइज है, वो कर लेती है, और उसके बाद अपन उस पर प्रिंट लेते हैं। तो ये हो गया। नाउ उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है अपना जब बॉडी एडवांस स्टेज में होती है डिकम्पोजिशन के। अब जब डिकम्पोजिशन के एडवांस स्टेज में होती है, तो जो अपन ये सारी उसमें ना अपन सिरिंज की मदद से उसमें इंसर्ट कर पाते, क्योंकि फिर अगर करेंगे तो वो तो डिकम्पोज हो रही है, उसकी जो पील्ड हो रही है तो वो वहाँ पे रुकेगा नहीं। तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, उस टाइम पे अपन है ना करते हैं कि जो बॉडी में जो अपनी जो स्किन जो पील्ड ऑफ हो रही है, वो अपन उसको निकाल के उसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं और वही पचाते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड में से रखते हैं ताकि वो ताकि अपन क्या करते हैं उसको फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन में रखते हैं, ताकि वो डिकम्पोजिशन उसका आगे बढ़ता ना जाए, उस पर बैक्टीरियल इफेक्ट ना आए। तो इससे क्या होता है, ये इजीली हो जाता है उससे पील्ड ऑफ वगैरह करके उसमें अपन रख देते हैं, तो वो फिर उनका एग्जामिनेशन करते हैं। नाउ इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं फिंगरप्रिंटिंग लेने में, एक तो स्कैनिंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और बहुत मतलब फिंगरप्रिंट ले नहीं सकते इजीली ऐसे पर्सन की, ठीक है, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, बॉडी टेम्परेचर बहुत उसमें वो हो जाता है, डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, और टाइम अगर बहुत ज़्यादा डिकम्पोज हो जाए तो अपन ले भी नहीं सकते।
ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, अपन किसी पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट बना सकते हैं, सब्सिडियल बेनिफिट से उसको हटा सकते हैं, ठीक है। आधार लिंक, गैस लिंक्स का डीएक्टिवेशन कर सकते हैं, क्राइम किसी की पर्सन की आइडेंटिफिकेशन का हेल्प कर सकते हैं, इंश्योरेंस क्लेम में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है, सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है इसमें, मतलब किसी भी पर्सन का अगर फिंगरप्रिंट लगा दिया तो उसके पर्सनल जो चीज़ें हैं वो ऐसे हो सकते हैं, तो सिक्योरिटी प्राइवेसी थ्रेफ्ट हो सकती है, तो और भी चीज़ें हैं। सो थैंक यू।